की, हमें अपनी अस्मिता की, और जिसके बल पर हम यहाँ नहीं सारी दुनिया में जाने जाते। देश के प्रति हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए ऐसा लगता है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान दुनिया के और देशों की तरह नहीं है कि हमने चांद को तो छू लिया और हाथ भर दूर का आदमी अब भी हमसे दूर है। हमने चंबल के कछारों से भाखड़ा नंगल बनाए, रेगिस्तान से चंबल बैराज बनाए, क्योंकि हमारे पांव चाहे जमीन पर हों, निगाहें तो आसमान पर ही थी ना। 80 के दशक के उत्तरार्ध में विद्वान, विदग्ध, सरल आर वेंकटरामन राष्ट्रपति बने। सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, तहीं तो इसको जनता के सिर पर मुकुट धरो। बापू के अनुयायी और प्रगतिशील थे नए राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एक उदार चिकित्सक के बेटे डॉक्टर साहब शिक्षाविद और विधिवेत्ता थे। जो संविधान ने अधिकार दिए उसमें चलो, जो ठीक लगी उस सब चीजों को देख करके वो करो, जो आपकी आत्मा संतोष दे कि ये कानून के अंदर संविधान के अनुसार ये ठीक है उसे करो, उससे बड़ा बल रहता है। अध्ययन, स्वाध्याय और लेखन डॉक्टर शर्मा की दिनचर्या का हिस्सा था। भारतीय अर्थ यही है कि सही निर्णय लो और निश्चल रहो, किसी बात में इधर उधर ना हो। भारतीयता दूसरी बातों से इधर उतरता है तो भारतीयता कम हो जाती है, और दूसरे ये कि जो हमारी संस्कृति है उसमें विश्वास होना चाहिए, जिसमें आत्मविश्वास होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके संस्कृति में विश्वास होता है, और संस्कृति के लिए भारतीय संस्कृति में तो पीछे रहने की सोचने की बात ही नहीं। उस दिन हम गणतंत्र हुए थे और अभी भी भगत सिंह के सपने पूरे नहीं हुए, इसलिए बड़े होके हम पूरे करेंगे। पढ़ तो लिया है हमने, सबने पढ़ लिया है, बट द थिंग इज अगेन वही रहता है कि जो सीखा है वो पन्नों पे ही है। आप गांव में जाके देखेंगे तो आपको यू विल बी शॉक्ड कि जो मौलिक अधिकार है जो स्त्रियों का, वो मौलिक अधिकार उनको नहीं उपलब्ध है। हम ये देखें कि हमारे संविधान ने और हमारे गणतंत्र ने 50 वर्षों में क्या पाया क्या खोया। हमने जिन बुनियादी उद्देश्यों के लिए, जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है कि हम एक सामाजिक न्याय देंगे, एक समरसता से बड़ा समाज बनाएंगे, लोगों को आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक आज़ादियां देंगे, ये जो हमारे ऐसे हमने उद्देश्य घोषित किए थे उनमें हम कहां तक सफल हुए इसका भी हमें विचार करना होता है। लोकतंत्र यानी व्यक्ति की चिंता, और व्यक्ति की चिंता यदि अभिव्यक्त किया जाना चाहिए तो मैं इन पंक्तियों में कर सकता हूँ कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा अपना समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, मैंने इससे पाया तन मन, मैंने इससे पाया जीवन, मेरा तो कर्तव्य ही कर दूँ सब कुछ इसको। प्राचीन भारत में भी था विमान विज्ञान, ध्वनि रहित विमान तो ध्वनि से तेज उड़ने वाले विमान रॉकेट हम आज से नहीं भेज रहे हैं अंतरिक्ष में। गणतंत्र तो समुन्नत था ही, समुन्नत था हमारा विमान विज्ञान।
अखबार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और मल्टीमीडिया, कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट से इंटरलिंक। विश्व का यह सबसे प्राचीन राजतंत्र, जब लोकतंत्र गणतंत्र बना तो वैज्ञानिक उपलब्धियों ने मानो आसमान छू लिया। गणतंत्र की सर्वोच्च परंपरा का संवाहक है राष्ट्राध्यक्ष, गणाध्यक्ष, या यूं कहें कि राष्ट्रपति। महामहिम श्री के आर नारायणन प्रगतिशील विचारों के सजग और दृष्टा राष्ट्रपति हैं। आज आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ यह गणतंत्र, महामहिम के शब्दों में कहें तो, द वर्ड रिपब्लिक इज नो ऑर्डिनरी वर्ड, इट इज अ कमिटमेंट टू द इफेक्ट दैट इन आवर स्टेट सुप्रीम पावर इज एक्सरसाइज नॉट बाय सम रिमोट मोनार्क बट बाय द पीपल। इट इज एन अफर्मेशन दैट द विल्डर ऑफ पावर इन इंडिया, द अधिनायक, is a great aggregation of our people as a whole, whom Rabindranath Tagore has immortalized as Jana Gana. Thank you.